मामला शिवपुर जिले के करहाल ब्लॉक के आवदा थाने के ग्राम बरधा बुखारी का है, जहां विवाहित भारतीय पत्नी मोहन उम्र 22 वर्ष उस समय फांसी के फंदे पर झूल गए जब ससुराली जनखेत पर काम करने गए हुए थे। विवाहिता ने फांसी के फंदे पर झूलने के बाद आवदा पुलिस शव को पीएम के लिए जिला चिकित्सालय लेकर पहुंची, जहां विवाहिता के मायके वालों ने विवाहिता के ससुराल पक्ष के लोगों पर विवाहिता की हत्या करने के आरोप लगा के साथ ही विवाहिता की मौत की खबर नहीं दिए जाने का भी आरोप लगाया। इतना ही नहीं, विवाहिता के मायके से पहुंचे आधा सैकड़ा लोगों ने पीएम हाउस पर विवाहिता के ससुराल पक्ष के लोगों के साथ मारपीट करते हुए पत्थरबाजी कर डाली। वहीं पीएम हाउस पर जमकर हंगामा किया, जहां मौके पर पुलिस ने दोनों पक्ष को लोगों को समझाने का भरसक प्रयास किया, मगर मामला शांत नहीं हो सका। जहां सूचना के बाद श्योपुर कोतवाली से पहुंचे पुलिस बल के पहुंचने पर टीआई सतीश दुबे की समझाइश के बाद मामला शांत हो सका, जहां श्योपुर एसडीओपी अशोक सिंह जादून के पहुंचने पर डॉक्टर के बोर्ड द्वारा विवाहिता का पीएम कर मामला दर्ज किया गया। तब जाकर पूर्ण रूप से विवाहिता के मायके पक्ष के लोग शांत हो सके, जहां अब पीएम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि विवाहिता ने फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त की है या विवाहिता की हत्या की गई है। शिवपुर से संवाददाता गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। सर, क्या मामला था बरधा बुखारी का और किस मामले को लेकर यहाँ पीएम किया जा रहा है? बरधा बुखारी में एक भारतीय नाम की महिला जो अभी भी इसकी शादी हुई थी, उसने अभी उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई है। इसके संबंध में पीएम करवाया जा रहा है अभी, यहाँ पीएम हाउस और विवेचना में जो भी तथ्य आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।